का उद्घाटन करने की कृपा करें। विश्व की सबसे प्राचीन जीवंत नगरी वाराणसी, जो जानी जाती है पवित्र गंगा नदी के आंचल में बसते कई सारे घाट और गलियों से। सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध भारत की ये आध्यात्मिक राजधानी नए भारत के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी सुसज्जित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में वाराणसी में पर्यटन के नए नए आयाम स्थापित हुए हैं, जिससे पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए वाराणसी में अब हो रहा है हॉस्पिटलिटी के नए युग का आरंभ। प्रथम बार पर्यटकों को मिलेगा रिवर बैंक का अनमोल अनुभव। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक उपक्रम टेंट सिटी, गंगा तट के 30 हेक्टर्स के प्लॉट्स को दो हिस्सों में डेवलप किया गया है। पवित्र गंगा मैया की गोद में बसा है टेंट सिटी। यहाँ बनाए गए भव्य विला से मिलती है वाराणसी की आध्यात्मिक भव्यता की झांकी। कुल 600 से अधिक टेंट्स की क्षमता वाले टेंट सिटी में है 4 प्रकार के अलग अलग स्तर के कॉटेजेस, 800 मेहमानों की स्वागत क्षमता युक्त कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी, कैफे और डाइनिंग हॉल की सुविधा, शाकाहारी तथा शराब मुक्त परिसर, स्वच्छता पर विशेष ध्यान, पर्यटकों को घाट से लाने और ले जाने के हेतु नौका सेवा, घाटों से नौका द्वारा केवल 10-15 मिनट की दूरी, उत्कृष्ट कोटि की सुविधाएं, अतिथि सत्कार के सर्वोच्च मानदंडों का पालन और पैकेज के विविध विकल्प, जिससे होती है आध्यात्मिक वैभव की अनुभूति। टेंट सिटी का निर्माण होने से देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक इसका लाभ पाएंगे, जिससे वाराणसी के पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानिक रूप से रोजगार में भी वृद्धि होगी। वाराणसी में विरासत और विकास की अविरत गंगा बहती है, इसी विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, साथियों ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदल रहा है। काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। जीवन की सार्थक यात्रा पर निकले पर्यटकों की सेवा में आज टेंट सिटी का लोकार्पण हो रहा है भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, जिसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में विकसित करने को दृढ़ संकल्पित हैं। उनके मार्गदर्शन में चल रहे गति शक्ति एवं अर्थ गंगा कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान करने में भारत सरकार का पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय भी कटिबद्ध है। इसी क्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया बटन दबाकर हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल एवं उत्तर प्रदेश की 4 सामुदायिक जेटीज का लोकार्पण तथा बिहार की 5 सामुदायिक जेटीज का शिलान्यास करने की कृपा करें। जलमार्ग से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन सड़क और रेल मार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान होता है। भारत में अनेक नदियां बहती हैं जो जल परिवहन के लिए उपयुक्त हैं। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने भारत में नदियों पर जलमार्ग की अवधारणा की है, जो देश के कई भागों को जलमार्गों के द्वारा जोड़ने में सफल हुआ है। इसके फलस्वरूप
समूचे देश में जलमार्गों के जाल माध्यम से जल यातायात में वृद्धि हुई है। व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए IWAI द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग एक पर मल्टी मोडल टर्मिनलों का निर्माण किया गया, जिसमें से हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल प्रमुख है। हुगली नदी के तट एवं बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर 607.73 करोड़ रुपए की लागत से बना हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल अपनी बेजोड़ भौगोलिक स्थिति एवं लाभदायक व्यापारिक परिदृश्य के कारण विशेष स्थान रखता है। हल्दिया टर्मिनल खूबसूरत सुंदर वन को राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 16 और भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के द्वारा बांग्लादेश एवं पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। अतः ये टर्मिनल एक अंतरराष्ट्रीय गेटवे है। 61 एकड़ में फैले हल्दिया टर्मिनल की वार्षिक कार्गो हैंडलिंग क्षमता 3.07 मिलियन मेट्रिक टन है। 465 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा, 800 मीटर लंबा एवं 8.4 मीटर चौड़ा कवर्ड कन्वेयर गैलरी है। इससे फ्लाई ऐश, कोयला, स्टोन चिप्स एवं कई अन्य स्थानीय उत्पादों के निर्यात में आसानी होगी। साथ ही विश्व के विभिन्न कोनों से आयात को सुगम किया जा सकेगा। इसका मुख्य लाभ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा आज हल्दिया मल्टी मोडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। गंगा नदी उत्तर भारत की जीवन रेखा है और ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। स्थानीय किसानों और व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा जल मार्ग विकास परियोजना 2 की शुरुआत की गई है, जो अर्थ गंगा की सतत विकास मॉडल अवधारणा पर आधारित है। स्थानीय किसानों, नागरिकों एवं खुदरा व्यापारियों के लिए 60 से अधिक सामुदायिक जेटियों का निर्माण उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए 7 कम्युनिटी जेटी का उद्घाटन हुआ। इन सभी जेटियों में रैंप, शेडेड वेटिंग एरिया, सार्वजनिक सुविधाएं, टिकटिंग काउंटर व एडमिन रूम, सोलर लाइट आदि सुविधाएं प्रदान की गई है। इससे वे आसानी से यात्रा कर अपनी उपज को स्थानीय बाजारों में ले जाकर उचित मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इससे कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे एवं आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा। हर साल बाढ़ के कारण गंगा नदी के बहाव में बदलाव आता रहता है और ऐसी स्थिति में इस तरह की सामुदायिक जेटी लोगों की आवाजाही को हर मौसम में बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश में 4 सामुदायिक जेटी का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ बिहार में 5 सामुदायिक जेटी का शिलान्यास किया गया है। सामुदायिक जेटी विशेष रूप से वाराणसी जैसे स्थानों में स्थानीय पर्यटन के अवसरों को विकसित करने में मदद करेंगे। इससे जल पर्यटन को भी भारी बढ़ावा मिलेगा। सामुदायिक जेटियों के निर्माण से जहां स्थानीय व्यापारियों, किसानों और नदी के किनारे रहने वाले आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, वहीं मल्टी मोडल टर्मिनल के निर्माण से देश विदेश के व्यापारियों को देश में निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। परिवहन के पारंपरिक साधन जैसे सड़क मार्ग या रेल मार्ग कहीं न कहीं पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सदैव पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित विकास को ही प्राथमिकता दी है और इस दिशा में जल मार्ग को उपयोगी पाया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध है कि कृपया बटन दबाकर आसाम के पांडू के शिप रिपेयर सेंटर तथा पांडू टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जोड़ने वाली एलिवेटेड रोड का शिलान्यास तथा गुवाहाटी में स्थित मैरीटाइम स्किल सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट का लोकार्पण करने की कृपा करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में पूर्वोत्तर राज्यों की अहम भूमिका है। हमने पूर्वोत्तर के लिए एक्ट ईस्ट का संकल्प लिया है। यहां विकास की, टूरिज्म की इतनी संभावनाएं हैं
नॉर्थ ईस्ट की इन संभावनाओं पर अब काम हो रहा है, पूर्वोत्तर अब भारत के विकास का गेटवे बन रहा है। ब्रह्मपुत्र और बराक नदी पर विकसित किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 एवं 16 इस परिकल्पना की महत्वपूर्ण कड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर बसे गुवाहाटी के पास पांडु में एक मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में जहाजों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई आधुनिक सुविधा नहीं है। जहाजों को मरम्मत के लिए कोलकाता ले जाना पड़ता है, जो काफी खर्चीला है। इस कमी को दूर करने के लिए गुवाहाटी के निकट पांडु में जहाजों की मरम्मत के लिए एक ड्राई डॉक की स्थापना की जा रही है। अब इस पूरे क्षेत्र में जहाज मरम्मत का काम भी होने लगेगा, जो आर्थिक बचत के साथ ही साथ रोजगार का भी सृजन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस जहाज मरम्मत स्थल का शिलान्यास किया। इस परियोजना की कुल लागत 208 करोड़ रुपए है। साथ ही पांडु टर्मिनल में एक एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाना है। इसके निर्माण में 180 करोड़ की लागत आएगी। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने से पीएम गति शक्ति के अंतर्गत पांडु मल्टी मॉडल टर्मिनल और नेशनल हाईवे सीधे जुड़ जाएंगे, जिससे निर्बाध माल ढुलाई संभव होगा और आवाजाही को गति मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री ने आज इस एलिवेटेड रोड का शिलान्यास किया। भारत में कई जलमार्गों के विकास होने से प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होने लगी। इसकी पूर्ति करने के लिए IWAI द्वारा असम एवं त्रिपुरा सरकार के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट संस्थान में ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं। गुवाहाटी में स्थापित किए गए स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में खास तौर पर पूर्वोत्तर के छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो न सिर्फ इस सेक्टर की आवश्यकता को पूरा करेगा अपितु उनके लिए रोजगार भी सुनिश्चित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री ने आज गुवाहाटी में बने मैरिटाइम स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में स्थित धुबरी, जोगीखोपा, तेजपुर, सिलघाट, निमाती और डिब्रूगढ़ में फ्लोटिंग टर्मिनल बनाए गए हैं। माजुली द्वीप में आवाजाही के लिए रोरो और रो पैक्स की सुविधा शुरू की गई है। इसके अलावा बोगीबील में एक स्थायी कंक्रीट टर्मिनल की स्थापना की जा रही है, जो हर मौसम में माल ढुलाई और यात्री परिवहन को सुनिश्चित करेगा। इसी तरह राष्ट्रीय जलमार्ग 16 पर बांग्लादेश सीमा से लगे करीमगंज को ट्रांस शिपमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य इस परिकल्पना की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के विकास की अवधारणा की है, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और 16 के माध्यम से संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों को देश के यात्रा पर आधारित ये लघु फिल्म। प्राचीन काल से ही भारत की नदियां न केवल जीवन का अनंत स्रोत रही हैं, बल्कि विश्वसनीय नौचालन मार्ग भी साबित हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार इन राष्ट्रीय धरोहरों का पुनः निर्माण करने और इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और देश का अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन क्षेत्र तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य को साकार करने के लिए 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की शुरुआत की गई है, जिससे आर्थिक क्षेत्र 25 गुना वृद्धि करेगा और देश में पर्यटन से जुड़े स्थानीय व्यापारियों को रोजगार मिलेगा।
विकास की इस महत्वाकांक्षी यात्रा में गंगा विलास रिवर क्रूज एक अहम अध्याय है। विश्व का सबसे लंबा और अत्याधुनिक लग्जरी रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम को मित्र देश बांग्लादेश से जोड़ते हुए 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रियों को गंगा, भागीरथी, हुगली, मेघना, जमुना और ब्रह्मपुत्र नदी पर बसे 40 प्रतिष्ठित स्थलों की इको फ्रेंडली यात्रा पर ले जाएगा, जहां उन्हें पूर्व की 27 नदियों के प्राकृतिक वास की एक करीबी झलक मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद गंगा विलास रिवर क्रूज की ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत होगी वाराणसी के पवित्र घाटों से, जहां से ये गंगा नदी पर उत्तर प्रदेश के किलों, संग्रहालयों और मंदिरों से होता हुआ गाजीपुर, बक्सर, बिहार पहुंचेगा, जहां यात्री पटना साहिब गुरुद्वारा के दर्शन और झारखंड के मनोरम दृश्य का लुत्फ उठा पाएंगे। फरक्का में हुगली नदी पर अनोखे गांवों और डाक बंगलों के मनमोहक नजारे और ध्वनियां क्रूज का स्वागत करेंगे, जो जल्द ही कोलकाता के ऐतिहासिक महानगर की चहल पहल और लजीज मिठाइयों की दुनिया में प्रवेश करेगा और फिर धाराओं पर बहता हुआ विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगल सुंदरबन पहुंच जाएगा, जहां यात्री मेघना नदी डेल्टा की लहरों पर बोनो बीबी की कहानियों से अवगत होंगे। काजीरंगा के घने जंगल गुवाहाटी में स्थित सबसे प्राचीन शक्तिपीठों में से एक कामाख्या मंदिर, निचले और ऊपरी असम को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण रेल कम सड़क धमनी बोगीबिल पुल का वास्तुशिल्प चमत्कार और माजुली की सांस्कृतिक शामें इस यादगार यात्रा का अंतिम पड़ाव है, जहां विश्व का परिचय पूर्व की विशेष तौर पर संजोई गई सांस्कृतिक और पाक विधाओं से होता है। तो आइए और हमारे साथ मिलकर भारत की पावन नदियों के समृद्ध और अनछुए इतिहास का जश्न मनाइए, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत के समग्र राष्ट्रीय संकल्प के तहत पूरा देश मना रहा है संस्कृति का एक अद्वितीय उत्सव। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को संकल्पित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अहर्निश राष्ट्र सेवा में रत हैं। उनके मार्गदर्शन में भारत प्रत्येक क्षेत्र में नित नए कीर्तिमान बना रहा है। काशी पुत्र, काशी के माननीय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अब मैं अत्यंत आदर पूर्वक उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हर हर महादेव। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गण, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथी, देश विदेश से वाराणसी पहुंचे टूरिस्ट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज लोहड़ी का उमंग भरा त्योहार है। आने वाले दिनों में हम उत्तरायण, मकर संक्रांति, भोगी, बिहू, पोंगल जैसे अनेक विध पर्व भी मनाएंगे। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे पर्वों दान दक्षिणा, तप तपस्या,
हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था, हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है और इसमें भी हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सभी नदी जलमार्गों के विकास से जुड़े इतने बड़े उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज मेरी काशी से डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी जल यात्रा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ हुआ है। इससे पूर्वी भारत के अनेक पर्यटक स्थल वर्ल्ड टूरिज्म मैप में और प्रमुखता से आने वाले हैं। काशी में गंगा पार ये जो नई निर्मित अद्भुत टेंट सिटी से वहां आने और रहने का एक और बड़ा कारण देश दुनिया के पर्यटकों श्रद्धालुओं को मिला है। इसके साथ साथ आज पश्चिम बंगाल में मल्टी मॉडल टर्मिनल, यूपी और बिहार में फ्लोटिंग जेटी, असम में मैरीटाइम स्किल सेंटर, सी प्रिपेयर सेंटर, टर्मिनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ऐसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये पूर्वी भारत में ट्रेड और टूरिज्म से जुड़ी संभावनाओं का विस्तार करने वाले हैं, रोजगार के नए अवसर बनाने वाले हैं। साथियों, गंगा जी हमारे लिए सिर्फ एक जलधारा भर नहीं है, बल्कि ये प्राचीन काल से इस महान भारत भूमि की तप तपस्या की साक्षी है। भारत की स्थितियां परिस्थितियां कैसी भी रही हो, मां गंगे ने हमेशा कोटि कोटि भारतीयों को पोषित किया है, प्रेरित किया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि गंगा जी के किनारे की पूरी पट्टी की आजादी के बाद विकास में पिछड़ती ही चली गई। आगे जाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस वजह से लाखों लोगों का गंगा किनारे से पलायन भी हुआ। इस स्थिति को बदला जाना जरूरी था, इसलिए हमने एक नई अप्रोच के साथ काम करना तय किया। हमने एक तरफ नमामि गंगे के माध्यम से गंगा जी की निर्मलता के लिए काम किया, वहीं दूसरी तरफ अर्थ गंगा का भी अभियान चलाया। अर्थ गंगा यानी हमने गंगा के आसपास बसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियों का एक नया वातावरण बनाने के लिए कदम उठाए। ये गंगा विलास क्रूज इस अर्थ गंगा में उसके एक अभियान को नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की यात्रा के दौरान ये क्रूज हर तरह की सुविधा मुहैया कराएगा। साथियों, आज मैं उन सभी विदेशी टूरिस्ट का
विशेष अभिनंदन करता हूं जिस क्रूज के माध्यम से पहले सफर पर निकलने वाले हैं। आप सभी एक प्राचीन शहर से एक आधुनिक क्रूज से सफर करने जा रहे हैं। मैं अपने इन विदेशी टूरिस्ट साथियों से विशेष तौर पर कहूंगा कि इंडिया हैज एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, इट ऑल्सो हैज अ लॉट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। इंडिया कैन नॉट बी डिफाइंड इन वर्ड्स, इंडिया कैन ओनली बी एक्सपीरियंस फ्रॉम द हार्ट, बिकॉज इंडिया हैज ऑलवेज ओपन्ड हर हार्ट फॉर एवरीवन, इरिस्पेक्टिव ऑफ रीजन और रिलीजन, क्रीड और कंट्री। वी वेलकम ऑल अवर टूरिस्ट फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। साथियों, एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग इसमें से आध्यात्म की खोज में हैं, उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजारने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डाइवर्सिटी को देखना चाहते हैं, उन्हें ये क्रूज सुंदरवन और असम के जंगलों की सैर कराएगा। जिन लोगों की रुचि भारत में नदियों से जुड़े सिस्टम को समझने में है, उनके लिए यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये क्रूज 25 अलग अलग नदियां या नदी धाराओं से होकर गुजरेगा। और जो लोग भारत के समृद्ध खान पान का अनुभव लेना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेहतरीन अवसर है। यानी भारत की विरासत और आधुनिकता का अद्भुत संगम हमें इस यात्रा में देखने को मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही, देश के भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पूर्वी भारत का रुख कर पाएंगे। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा, वहां विकास की एक नई लाइन तैयार करेगा। क्रूज टूरिज्म के लिए ऐसी ही व्यवस्थाएं हम देश भर के नदी जलमार्गों में तैयार कर रहे हैं। शहरों के बीच लंबे रिवर क्रूज के अलावा हम अलग अलग शहरों में छोटे क्रूज को भी बढ़ावा दे रहे हैं। काशी में भी इस प्रकार की व्यवस्था अभी चल रही है। ये हर पर्यटक वर्ग की पहुंच में हो, इसके लिए बजट से लेकर लग्जरी क्रूज तक हर प्रकार की सुविधाएं देश में विकसित की जा रही है। साथियों, देश में क्रूज टूरिज्म और हेरिटेज टूरिज्म का ये संगम ऐसे समय में हो रहा है जब भारत में पर्यटन का एक बुलंद दौर शुरू हो रहा है। भारत की वैश्विक भूमिका जैसे जैसे बढ़ रही है,
वैसे वैसे भारत को देखने, भारत को जानने और भारत को समझने की उत्सुकता भी बढ़ रही है। इसलिए बीते 8 वर्षों में हमने भारत में टूरिज्म सेक्टर के विस्तार पर विशेष बल दिया है। हमने अपने आस्था के स्थानों, तीर्थों, ऐतिहासिक स्थलों के विकास को भी प्राथमिकता बनाया है। काशी नगरी तो हमारे इन प्रयासों की साक्षात साक्षी बनी है। आज मेरी काशी की सड़कें चौड़ी हो रही है, गंगा जी के घाट स्वच्छ हो रहे हैं, काशी विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण होने के बाद जिस प्रकार श्रद्धालुओं और पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है वो भी अभूतपूर्व है। बीते वर्ष जितने श्रद्धालु काशी आए हैं उससे हमारे नाविकों, रेडी ठेले रिक्शा वालों, दुकानदारों, होटल गेस्ट हाउस चलाने वालों सभी को लाभ हुआ है। अब गंगा पार के क्षेत्र में इन नई टेंट सिटी काशी आने वाले श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को एक नया अनुभव देगी। इस टेंट सिटी में आधुनिकता भी है, अध्यात्म भी और आस्था भी है। राग से लेकर स्वाद तक बनारस का हर रस, हर रंग इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। साथियों, आज का ये आयोजन 2014 के बाद से देश में जो नीतियां बनी, जो निर्णय हुए, जो दिशा तय हुई उसका प्रतिबिंब है। 21वीं सदी का ये दशक भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के कायाकल्प का दशक है। इस दशक में भारत के लोग आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तस्वीर देखना जा रहे हैं, जिसकी कल्पना तक किसी जमाने में मुश्किल थी, चाहे घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, शिक्षण संस्थान और अस्पताल जैसा सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर रेलवे, हाईवे, एयरवे और वॉटरवे जैसा फिजिकल कनेक्टिविटी, इनसे जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये आज भारत के तेज विकास का, विकसित भारत के निर्माण का सबसे मजबूत स्तंभ है। सबसे चौड़े हाईवे, सबसे आधुनिक एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंचे और लंबे पुल, सबसे ऊंचाई पर बनने वाली लंबी टनल से नए भारत के विकास का प्रतिबिंब हम सब अनुभव करते हैं। इसमें भी नदी जलमार्ग भारत का नया सामर्थ्य बन रहे हैं। साथियों, आज गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना भी एक साधारण घटना नहीं है। जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित करता है तो वो उस देश की तकनीकी क्षमता को दिखाता है, वैसे ही 3200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये सफर भारत में इनलैंड वॉटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आधुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उदाहरण है।
2014 से पहले देश में वोटरवे का थोड़ा बहुत ही उपयोग होता था। ये हाल तब था जब भारत में वोटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था। 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बड़ी शक्ति बनाने में जुटा है। हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है, विस्तृत एक्शन प्लान बनाया है। 2014 में सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग देश में थे, आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित करने पर काम हो रहा है। इनमें से लगभग 2 दर्जन जलमार्गों पर सेवाएं अभी चल रही है। 8 वर्ष पहले तक सिर्फ 30 लाख मैट्रिक टन कार्गो ही नदी जलमार्गों से ट्रांसपोर्ट होता था, आज ये कैपेसिटी 3 गुना से भी अधिक हो चुकी है। नदी जलमार्गों का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसमें भी गंगा पर बन रहा ये नेशनल वाटरवे पूरे देश के लिए एक मॉडल की तरह विकसित हो रहा है। आज ये वाटरवे ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टूरिज्म तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है। साथियों, आज का ये आयोजन पूर्वी भारत को विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाने में भी मदद करेगा। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में आधुनिक मल्टीमॉडल टर्मिनल वाराणसी को जोड़ता है। ये भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से भी कनेक्टेड है और नॉर्थ ईस्ट को भी जोड़ता है। ये कोलकाता पोर्ट और बांग्लादेश को भी कनेक्ट करता है, यानी ये यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक व्यापार कारोबार को सुगम बनाने वाला है। इसी प्रकार जेटी और रोरो फेरी टर्मिनलों का भी नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे आना जाना भी आसान होगा, मछुआरों को, किसानों को भी सुविधा होगी। साथियों, क्रूज हो, कार्गो शिप हो, ये ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म को तो बल देते ही है, इनकी सर्विस से जुड़ी पूरी इंडस्ट्री भी नए अवसरों का निर्माण करती है। इसके लिए जो स्टाफ चाहिए, जो स्किल्ड लोग चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग का प्रबंध आवश्यक है। इसके लिए गुवाहाटी में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है। जहाजों की मरम्मत के लिए भी गुवाहाटी में एक नई फैसिलिटी का निर्माण किया जा रहा है। साथियों, ये जलमार्ग पर्यावरण की रक्षा के लिए भी अच्छे हैं और पैसों की बचत भी करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक सड़क के मुकाबले जलमार्ग से परिवर्तन की लागत 2.5 गुना कम आती है। वहीं रेल के मुकाबले जलमार्ग से परिवहन की लागत 1/3 कम होती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वाटरवे से ईंधन की कितनी बचत होती है, पैसा कितना ज्यादा बचता है। भारत ने जो नई लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है,
उसमें भी तेजी से बन रहे ये वाटरवेज बहुत मदद करने वाले हैं। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि भारत में हजारों किलोमीटर लंबा वाटरवे नेटवर्क तैयार होने की क्षमता है। भारत में जो 125 से ज्यादा नदियां और नदी धाराएं हैं वो लोगों और सामान के ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जा सकती है। ये वाटरवे भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। कोशिश यही है कि आने वाले वर्षों में वाटरवेज, रेलवेज और हाईवेज का मल्टी मॉडल आधुनिक नेटवर्क भारत में बने। हमने बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ समझौते भी किए हैं जिससे नॉर्थ ईस्ट की वाटर कनेक्टिविटी भी सशक्त हो रही है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए सशक्त कनेक्टिविटी आवश्यक है, इसलिए हमारा यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। नदी जल शक्ति देश के ट्रेड और टूरिज्म को नई बुलंदी दे, इसी कामना के साथ सभी क्रूज यात्रियों को सुखद यात्रा के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।